10 46 clear kya pooch raha hai displacement full in 20 displacement after how much time 220 seconds ab aapko kya bolna hai टोटल टाइम इज 220 टोटल टाइम इज 220 सेकेंड्स अब इसमें बताओ कितने रिवोल्यूशन हो गए थ्री आपने फाइव हाफ हो गए अगर मैं 220 को 40 से डिवाइड करूंगा कितना मुझे मिलेगा मुझे इट विल बी 5.5 अगर बात समझा रहेगा कितने राउंड्स हो गए 5.5 कंप्लीट राउंड्स भाई टोटल आपने कितना चला टोटल टोटल टाइम आपका 220 सेकंड्स हो गए सर 220 सेकंड्स अच्छा मैं बैठ रहा हूं 240 ना 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 तो सर कितना तो 140 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट कितना 3.5 रिवोल्यूशन अगर बताओ अगर पास में जारी आप लोग क्लियर हुआ है इसको एक राउंड में 40 सेकंड लग रहे हैं है ना तो 140 सेकंड्स में वो 3.5 राउंड्स कंप्लीट करें तो ये बताओ 3.5 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद 1 2 3 यहां पे होगा डायमेट्रिकली अपोजिट है ना तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर बात समझ आ गई है दिस आर एंड दिस आर क्लियर है बोलो क्लियर ना चलो और कोई डाउट इसके अलावा कोई डाउट है आपसे बताओ किसी बच्चे को भी डाउट इसके अलावा आपको बताओ ऐसा नहीं तो बताओ चलो 17 तक ही क्वेश्चन है ना चलिए भाई कल मैंने डिस्कस किया था किसके बारे में एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था 14 एनसीईआरटी का 3.14 हाँ 3.14 हो गया अलग कर दिया आपको नहीं किया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.14 कब लेना नहीं किया उसको सर उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो बार लेना है क्या होम से मार्केट और मार्केट से है ना तो सर वो अलग अलग आएगी एक का 5 आ रहा है दूसरे का नहीं आ रहा है चलो अच्छा मैं थोड़ा सा चलो मैं नेक्स्ट टर्न पे एक बार आपको और ट्राई करना नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करूंगा ठीक है अभी हम आगे बढ़ते हैं लिखिए आप लोग फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं नोट करिए तो वी आर डन विद यूनिफॉर्म मोशन ठीक है और हम लोग मूव कर रहे हैं लिखिए आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन ठीक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन Uniformly accelerated motion. अभी मैं आज के लेक्चर में जो भी आपसे बातें करने वाला हूं मतलब क्या सारे जितना आपने 9th में पढ़ा हुआ सारे वही पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा हो सकता है एक आध पॉइंट कोई एक्स्ट्रा है वही सारी बातें आप बताई जाएंगी ठीक है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है मैंने बताया इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है कॉन्स्टेंट है ना इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताइए अमन बोल रहे आपको एग्जाम्पल बताओ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन का एग्जाम्पल बताओ फ्री फॉल नहीं होता है ग्रेविटी एक्ट करती है एक्सेलरेशन करता है कॉन्स्टेंट है ना इसका एग्जाम्पल हो गया फ्री फॉल और मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स और मुझे कौन बताएगा कि हाउ टू डेराइव दिस एक्सप्रेशन अगर किसी को याद आ रहा तो मुझे बताए एक्सेलरेशन को लिखो है कितना बिल्कुल बिल्कुल वी माइनस यू बाई टी बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड लिखे आपको बिल्कुल एक लाइन की वो है मतलब ये बेसिकली वो हो गया क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिन्हें कहा बच्चों को ऑफलाइन आना आ सकते हो, ठीक है आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं किसी को ऑफलाइन आना तो आ सकते हो, कुछ बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन आ रहे हैं। तो v माइनस यू इज 80, तो यहां से v हो गया कितना, दिस इज u प्लस 80। बिल्कुल जो आपने नाइन्थ में पढ़ा है ना, बिल्कुल वही सब बातें भी डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग में प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, नथिंग बट सिंपली क्या डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन होती है उसी को हमने लिख दिया। सेकंड इक्वेशन कौन बताया करेंगे सर, ठीक है पढ़ाई याद करिए, कोशिश करिए। एक्स इज यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। देखो तीन तरीके होते डेरिवेशन के, समझ रहे हो, एक तरीका तो हमने जो नाइन में पढ़ा था वो गलत तरीका हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया एक होता है इंटीग्रेशन स्लो, स्लो फॉर्म सब करते थे, एक होता है कैलकुलस करते, ठीक है। अभी मैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराऊंगा, है ना, उसके बाद तीसरा मेथड कराऊंगा एरिया फ्रोमबस प्लस ये बोल रहे थे, हां वो सब क्वेश्चन होते थे वहां पे। अभी लिख लो सेकंड इक्वेशन, है ना, और देखिए एक पार्टिकल है एट x इज इक्वल टू 0, इट्स वेलोसिटी इज u, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और एक पार्टिकल यहां से चलता है आफ्टर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंस x, वेलोसिटी इज v एट टाइम t, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है, फाइनल इज v, इट्स दिस टोटल टाइम इज टू, दिस मेथड भी अरे एक्स को एस लिख दिया मैंने, एक्स लिखो कोई दिक्कत नहीं नोट पेपर है, और एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करिए, अगर मुझे ये एक्स निकालना हो कैसे निकालेंगे सर, एक्स जीरो कैसे हो जाएगा, हाँ एक्स जीरो कैसे हो जाएगा, उसने एक्स छोड़ के जीरो लिखा है, हाँ तो वो जीरो कैसे हो जाएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, या तो बंदा यहाँ पे उसका एक्स जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ गया ओरिजिन, ओरिजिन है, ठीक है ओरिजिन है, एक्स जीरो की पोजिशन है ना, वैसे क्या ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो का पार्टिकल है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस में चल रहा है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, अब इसकी वेलोसिटी बी हो चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी क्यू, अब आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है यार, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है अभी डिस्टेंस कुछ भी करो दे आर इक्वल, क्यों अगर पार्टनर स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता तो दोनों क्या होते हैं इक्वल सेम होते हैं ना। अब आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिए कि यहां पे ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोलो आप, मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड, क्या स्पीड क्या हो रही है आपको, कॉन्स्टेंट नहीं है ना, शुरू में कितनी थी जीरो, शुरू में यू थी और फिर स्पीड क्या हो रही है, स्पीड बढ़ती आ रही है, अगर आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट होती तो क्या करते हैं, अगर आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट होती तो आप क्या करते हैं, स्पीड यू करें खत्म करो है ना, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि शुरू में स्पीड कितनी है जीरो, यू शुरू में स्पीड यू है और बाद में कितनी है वी, क्या करना चाहिए बताओ, एवरेज याद आ रहा है, एवरेज नहीं याद आ रहा है, क्या करते हैं कि आपकी स्पीड शुरू में कितनी है, क्यू में बाद में कितनी है पी है, हर की स्पीड बढ़ रही है तो आप यू लेके तो नहीं सॉल्व कर सकते ना, आप ये तो नहीं लिख सकते ना कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू इन टू, गलत लग रहा है यार, क्यों गलत हो जाएगा, हर की आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, अंडर एस्टिमेटिंग, बिल्कुल उसको क्या करेंगे मीन स्पीड तक, तो देखिए आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, बिकॉज स्पीड इज वेरिंग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मीन स्पीड इन टू टाइम, ठीक है, एंड वॉट इज मीन स्पीड, दिस इज वी अपॉन प्लस यू बाई टू एंड इन, पूरा टोटल टाइम टी टोटल टाइम, क्लियर, यस ऑन दैट, क्यों क्लियर है, क्योंकि शुरू में स्पीड यू है बाद में भी हर स्पीड क्या हो रही चेंज हो रही है, इसलिए हमने इसको बी प्लस बाई टू कर दिया इन टू टी। अब एक काम करिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फॉर
बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जो यहां पे बी है इसके प्लेस में हम यू प्लस एटी पुट कर देंगे और देखो आपको डायरेक्ट लगाएंगे। बिल्कुल मैं आपको नाइन्थ वाला बता रहा हूँ, अगर आपकी कॉपी ओपन करोगे अगर सीआरटी नाइन क्लास की आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे मिलेंगे। देखो तो बी के प्लेस पर यू प्लस एटी लिखिए, नबीर गगन कर फ्रांस आ लोगों कि मैंने बी को क्या देना है यू प्लस एटी लिख देना है और देखिए आपके कितना आएगा। ठीक है तो देखिए ये आपके स्कूल में नहीं पूछा जाए, पहले आप बता दो जो आपको टेलीविजन करा रहा हूं ये स्कूल में इस तरह से नहीं पूछी जाएगी। इसका जो तीसरा मेथड होता है ना कौन सा, इसका जो कैलकुलस मेथड होता है वो स्कूल में पूछा जाता है, इसको डायरेक्शन पूछी जाएगी पक्का आप लिए आपके जो भी एग्जाम्स होंगे है ना। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो आप उम्मीद करिए कि आपको तीनों डायरेक्शन करनी होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बट नॉट विद दिस मेथड। कौन सा? इंटीग्रेशन मेथड, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मैं आपको भी कराऊंगा एक क्लास के बाद। ठीक है चलो मुझे लगता है कि आपको ट्राई कर लिया होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मीन स्पीड इन टू टाइम और वी के प्लेस पे करना है यू प्लस एटी एंड प्लस यू फाइव टू इन टू टी टू यू प्लस एटी फाइव टू इन टू टी टू यू टी बाई टू एंड प्लस हाफ यू डी स्क्वायर एक्स इज टू टी प्लस हाफ। देखिए भाई ये आ गया भाई सेकंड इक्वेशन है ना, एक्स इज यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट बट एक्चुअली यहाँ पे एक्स होता है एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भाई थोड़ा बहुत आइडिया सही हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, इस इक्वेशन में ऐसे लिख करेंगे। अभी आपको बहुत ही बात समझ नहीं आ रही होगी तो लेकिन ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में होती है ut प्लस हाफ होती है। कभी कभी स्कूल में ऐसे भी पूछ जाता है इसकी वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं, क्या जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना उनके ऊपर एक एरो पुट करते हैं। ये आपको वेक्टर से मुझे कराने आज ही मैं आपसे बात करूंगा। आपके तीन एरो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद होना है तीन चीजें वेक्टर्स होती है आपकी है ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ये आपने नाइन पे पढ़ा तो मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो है ना। स्केलर में क्या होता है, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, नेक्स्ट वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ फंक्शन। भाई किसको याद आ रहा है देखो, चलो बात करो देखो इसको लिखा दिया। देखिए आप एक्स इज यू प्लस बी बाई टू और एक काम करिए फ्रॉम इक्वेशन वन है ना फाइंड यू, फ्रॉम इक्वेशन वन फाइंड यू यहां पर छोड़ दो आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। यार कैसा होना है थर्ड इक्वेशन में क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, टाइम नहीं होता क्यों, टाइम ही तो नहीं होता है तो हमें टाइम को क्या करना है, टाइम घटाना है, टाइम को डाला है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी इज यू प्लस एटी है ना, यहां से आप टाइम निकालिए और टाइम आएगा वी माइनस यू बाई ए, इस टाइम को उठा के आप यहां पर कर दिए एंड यू विल थर्ड इक्वेशन। देखिए ठीक है व्हाट इज एक्स, एक्स इज वी प्लस यू बाई टू एंड इन टू v माइनस टू बाई ए, एक्स आ जाएगा हमारा v स्क्वायर यू स्क्वायर बाई टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा इनको तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है
ये हमारी क्वेश्चन बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी आपने नाइन में पढ़ा है एग्जैक्टली जो मैंने आपको लिखा है, आप अपनी एनसीईआरटी से करोगे तो आपको ऐसे स्टेप्स मिल जाएंगे। मैंने बिल्कुल वही मेथड आपको बताया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, कौन सा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा, सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात कर, आपसे क्या बोला था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन शुरुआत करता हूं, है ना। सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। स्टैंडर्ड से मतलब यार ऐसी प्रॉब्लम्स जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और आपको हार्ड वर्क पर मिलेगी, ठीक है। और सारी प्रॉब्लम्स के आंसर आपको खुद देने, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, लिखा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स, डेटा गड़बड़ हो जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर मुझे अन्य कौन सी क्वेश्चन यूज करें, ये पहले ही बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सी क्वेश्चन नहीं यूज करनी है, सेकंड यूज करेंगे ना, कैसे पता चला हमें, ठीक है बेटा। नवी आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुड, टाइम केवल सेकंड क्वेश्चन है ना, कर बेटा वाई इज थ्री एक्स है आंसर, राइट आंसर इज वाई इज टू थ्री एक्स, मुझे नहीं पता डी ऑप्शन में इसमें, आप देख लो वाई इज थ्री एक्स इज राइट आंसर। सेकेंड इक्वेशन लगेगी, आप लोग सेकेंड इक्वेशन यूज करिए, आदित्य कितने डिस्टेंस यूज की बताइए, डिस्टेंस कितनी थी फर्स्ट, ट्रैवल डिस्टेंस एक्स, इन हाउ मच टाइम, 10 सेकंड्स, इन 10 सेकंड्स यू मेक एक्स इज यू कितना है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऐसा लिखा है क्या, जब भी क्वेश्चन में स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो यू कितना हो गया, जीरो जीरो है ना। एक्स इज यू टी प्लस हाफ ई टी है ना, देखिए आप एक्स कितना आएगा, दिस इज 50 आ जाएंगे, बताओ ये आ रहा है ना, हाँ ये सर आ रहा है, एक्स इज 50 है, कोई क्या पूछ रहा है, रखा है इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स है ना सर, एक ऑप्शन है। तो अब ये मुझे बताओ पहले 10 सेकंड तो 50 आ गया, अगले 10 सेकंड की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, क्या कौन सा यूज करना चाहिए, अगले दो अगले 10 सेकंड की पूछा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यार मैं फाइनल प्रॉफिट नहीं बताना, हमें रेशियो भी नहीं पता एक्चुअली, आप बताओ क्या करें, कौन सी इक्वेशन यूज करें, आपसे सिंपल पूछ रहा है, क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस कितना होता है, यहां पे डिस्टेंस स्पीड पे आई नहीं लगाया, डिस्टेंस ऑलवेज यू प्लस आप किस पर, शरीर बड़ा आपने क्या किया, कौन सी इक्वेशन लगाई आपने, आपने मुझे आंसर दिया बिल्कुल सही, फर्स्ट 10 सेकंड की डिस्टेंस आ चुकी है, अब ये 10 सेकंड में आपको सोचना है, टाइम दिया है इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स और डिस्टेंस निकाली, कौन सी क्वेश्चन बची हुआ, डिस्टेंस भी हो टाइम भी हो, 10 सेकंड की क्वेश्चन है यार, यूटी प्लस आपको तीन स्क्वायर, ये तो पूछा आपसे यू फाइंड अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स, है ना। तो क्वेश्चन क्या लगेगी बताइए, सेकंड क्वेश्चन लगेगी एक्स इज यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, क्लियर। अब बताओ आप इससे यू कैसे करो, नहीं समझा, देखो भाई पहले बंदा 10 सेकेंड्स तक गया, फिर आपको अगले 10 में बताना है कि बंदा कितना चला, आपको टाइम पता है ना,
डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा यूडी प्लस आरडी स्क्वायर। क्या नहीं पता आपको? अरे मेरे भाई अगर आपकी फंक्शन आ रही है एक्स इज यू डी, यू नहीं पता है? यू नहीं पता है यार। यस सर बताओ। यू टेन यू कैसे निकालना है? मतलब यहां पे आपको यू पता होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए यहां पे हाउ टू फाइंड यू। सर हम तीसरी इक्वेशन में करने वाले थे यहां पे जो इस मोशन का वी आएगा वो उसकी यू होगी। पसंद आया? अरे भाई तो इस मोशन का फाइनल वेलोसिटी होगा, वो अगली मोशन का यू हो जाएगा। क्लियर? अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है मैं फॉर्मूला यू टी प्लस आर डी स्क्वायर टी मुझे कितना दिया हुआ है ए पता है, यू मिसिंग है तो यू यहाँ का जो होगा वो यहाँ का फाइनल होगा। आप बताओ यू कैसे फर्स्ट लगा दो यार, तो सोचा तीन इक्वेशन कौन सी बी, तो इसको मैं ए लिखता हूँ, इसको बी लिखता हूँ, इसको मैं सी लिखता हूँ। तो इन ए टू बी, इन ए टू बी एफ नाइन फर्स्ट इक्वेशन है ना, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन नाइन होगा तो वी इज इक्वल टू यू प्लस बी। वॉट इज यू जीरो प्लस वॉट इज ए, ए को ए लिख लेते हैं टाइम इज टेन, इसका मतलब जो यहां पे वेलोसिटी आएगी वो टेन आएगी। बताओ आपको समझ आ रही बात? यस सर। ताना क्लियर है आपको? तबियत क्लियर है? शरीर क्लियर है? कर्व अगर यहां का हमने इस इक्वेशन को यूज करके यहां पे फाइनल वेलोसिटी निकालते, ठीक है, जो यहां पे फाइनल वेलोसिटी आएगी वो अगली मशीन के लिए क्या हो जाएगी? इसमें अब यहां पर क्वेश्चन बताई गई है एस इज यू टी प्लस आर डी स्क्वायर और यू की वैल्यू पहले को फिर बताइए इससे क्या है, बताइए टी को टेन लिखिए, यू को टेन लिखिए, बताइए इससे क्या है। यूनिफॉर्मली एक्सेल मोशन के क्वेश्चन है, ये बहुत सोचने वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वही नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको बहुत हाई को पढ़ाऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट पे इतने सारे क्वेश्चन जे में आए भी है ना आपने ऐसे किया था या किसी डिप्ले एक तरीके से और हो सकता है, आपसे पूछा था कि आपने कैसे तरीके से किया था, डिफरेंट तरीके से किया था। ताना क्लियर हो गया क्वेश्चन, गगन क्लियर हो गया, कर्व क्लियर हो गया, आगे बढ़े इसी तरीके से किया था। इसका एक तरीका और देखो, एक ऑल्टरनेट मेथड है, शायद आपको थोड़ा इजी लगेगा। एक काम करते हैं पहले टेंस हेड की डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, और फिर ट्वेंटी की निकालते हैं। ये देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम बीच में फंस गया, हमें इससे पड़ गया, क्यों पड़ गया इससे, क्योंकि हमें बीच में यू निकालना पड़ गया, मतलब जो पहली मोशन का फाइनल था वो अगले क्या कहता यू था, एक कैसे फालतू भी पड़ गई। एक तरीका और है, अगर मैं पहले 20 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लू, अरे यू टी प्लस आपने स्क्वायर यूज कर लो, यू कितना है जीरो है ना, पहले पूरा 20 की डिस्टेंस निकाल दो और फिर 10 की निकाल दो और फिर 20 वाले 10 वाले को, तो ज्यादा इजी पड़ेगा, हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा ना, कौन सा स्टेप कम हो गया, बीच वाला हट गया। एक काम करते हैं, लिखा डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड्स, बोलो देखो ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड से लॉ कितनी आएगी, हाफ ए इंटू कितना 10 स्क्वायर 50 ए, फिर क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड फ्रॉम बिगिनिंग पूरा निकाल देना है, कितना है बोलो, कितना है हाफ ए, यू तो जीरो है ना भाई, यू तो जीरो है,
तो 200 आ गए। अब बताओ अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद विद t इक्वल टू 10 एंड t इक्वल टू 20, ये भी माइनस क्या टोटल 200 ऐसे करके 50 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैं 10 से 20 की शिफ्ट होना चाह रहा हूं। बताओ ये ज्यादा इसी पर। अब देखो काइनेटिक्स से क्वेश्चन करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं, आप सारी इक्वेशन लगाओगे कहीं से भी आंसर आ जाएगा, बट ये प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को मिनिमाइज कर। पिछले अगर क्वेश्चन किया था जरूरी क्या उसी क्वेश्चन से करते हैं जो आप बोल रहे थे ना कि सर बी स्क्वायर से क्या लगा जिसका अगर स्क्वायर है हम उससे भी कर सकते हैं, वो कहीं भी बना के आ जाता आंसर। तीनों इक्वेशन आपस में रिलेटेड होती है, आंसर हर तरह से आएगा, कैसा मिनिमाइज करते हो वो इम्पोर्टेंट है। आप उसको सिर्फ आधे घंटे में कर रहे हो या उसको 5 घंटे कर रहे हो, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो ये ऑल्टरनेट मेथड हो गया, आप मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। अरे बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है ठीक है। हमें ये पता करना है कि बॉडी भाग रही है विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन पहले सेकंड में, फिर दूसरे में और फिर तीसरे में कितना चलेगी। बताओ पहले सेकंड का डिस्टेंस निकालने तो कैसे निकालोगे, एक्सेशन ही मान लो यार तो कट ही जाएगा ना बाद में, अगर आप एक्सेशन को एज्यूम करोगे तो उससे तो इंडिपेंडेंट आंसर आएगा ना आपका। कैसे निकालोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड बताओ, सारे पूछ लेते हैं कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। अरे भाई अगर मुझे टाइम दिया है डिस्टेंस निकालनी है तो कुछ सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, यू कितना है जीरो जीरो आधे डिस्टेंस। आप मुझे बताओ अगले एक सेकंड में कैसे निकालोगे, लंबा हो जाएगा ना, यही पर लगा देते ना यार, क्या करो पूरे दो में निकाल दो फिर उसमें से एक वाले को माइनस, तो क्या पता चलेगा अभी एक सेकंड का जगह। फिर अगले सेकंड कैसे निकालोगे, लास्ट पूरे तीन का निकाल दो, अरे पूरे तीन सेकंड निकाल दो ना यार, उसमें दो सेकंड को क्या कर दो माइनस आ जाएगा। लेकिन आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सर लास्ट दो को निकाल दे क्योंकि इससे सेकंड का तो निकाल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले लिखो आप पहले कॉन्सेप्ट लिखो, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि लिखो आप कॉन्सेप्ट क्या है, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड, एक सेकेंड फिर अगला दो सेकेंड फिर तीसरा इन कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड इज इक्वल टू 1357। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिस्टेंस रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड इज इक्वल टू क्या 1357। इसमें भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखते हैं भाई। श्रेन अपना आपका आंसर बिल्कुल सही था, नबी आपका आंसर आया, खुशी आपका आंसर आया, नहीं आया देखते भाई। चलो मैं ए लिख देता हूं फिर उसको जी से सजा लूंगा, आप मुझे बताओ अगर कैसे फ्री फॉल लिखा होगा बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, पॉज तो दोनों ग्रेविटी बात करते हैं, फिर हम ये नहीं लिखते हैं फ्री फॉल कर रही तो एक्सेशन क्या लेंगे जी के इक्वल लेंगे। तो मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कौन से है, बताओ कैसे निकालेंगे, कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, यू कितना हो जाएगा बताओ
अरे भाई रेस्ट पे फॉल हो रही है यार, रेस्ट में यू को हमेशा जीरो लेते हैं, यू टी प्लस कितना हाफ जी इनटू वन स्क्वायर विच इज सी बाई टू एंड विच इज आई गेस फाइव, क्यों टेन लेते हैं कौन बताएगा अभी क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड जीरो सेकंड टू प्लस हाफ जी नहीं नहीं अरे बोलता है पहले जीरो से दो की डिस्टेंस निकालो ना, जीरो से दो की निकालो, नहीं अभी तीन तो आई ना, अगले सेकंड की बात करेंगे यार, अगले सेकंड में निकालेंगे, पहले आप जीरो से दो की निकालो, उसमें से क्या करो जीरो से वन को माइनस करो, मेन बात तो आप इससे करके ना, तो क्या आएगा बताओ, तो वन से टू की डिस्टेंस आएगी ना, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप वही करो, पहले यहाँ से फाइनल निकालो, फिर अगले की इनिशियल होगी, फिर दो दो तीन दिन इक्वेशन रहेगी, लंबा हो जाएगा ना, क्या करेंगे अभी मुझे पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन सेकंड इज हाफ जी वन स्क्वायर, तो बताओ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टू सेकंड कितना होगा, टू लगा देखो टू सेकंड एंड सेकंड सेकंड आर डिफरेंट थिंग्स, समझ पा रहे हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थ्री सेकंड एंड थर्ड सेकंड दोनों बातें अलग अलग हो गई ना, थ्री सेकंड में क्या क्या मतलब होगा, मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थ्री सेकंड अब से लेके तीन तक कोई बॉडी चल रही है, मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रैवलिंग थ्री सेकंड तो कहां से कहां तक, जीरो से तीन, और मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रैवलिंग थर्ड सेकंड तो उसका क्या होता है, अरे भाई वो पर्टिकुलर थर्ड सेकंड की बात हो रही है ना, समझे ना, दोनों में डिफरेंस ना, डिस्टेंस ट्रैवलिंग थर्ड सेकंड मतलब पर्टिकुलर थर्ड सेकंड, और डिस्टेंस ट्रैवलिंग थ्री सेकंड मतलब अब से लेके कहां तक, थ्री तक, तो आपसे पूछा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड सेकंड अगले वाले क्या करोगे आप, अच्छा मैं लिखूं शायद आपको बात समझा जाएगी, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, क्या समझा रहा है आपको बताओ, तो सॉल्व करना है 15 आएगा, फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट सेकंड, अगर मुझे अगले सेकंड का डिस्टेंस निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जीरो से थ्री डिस्टेंस निकालूंगा, उसमें से जीरो से टू की डिस्टेंस को माइनस करूंगा, ये 25 है, समझ पा रहे हो, क्या किया पहले मैंने एक से डिस्टेंस निकाली, फिर ये कौन सी डिस्टेंस है, ये जीरो से दो की डिस्टेंस है, और ये क्या लिखा है, जीरो से वन माइनस कर दिया तो क्या आ गया, वन से टू आ गया, ये क्या लिखा होगा, जीरो से टोटल जीरो से थ्री की डिस्टेंस, फिर दो माइनस, फिर ये क्या लिखा है, जीरो से दो, तो माइनस करोगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेकंड में जो डिस्टेंस है क्या होगा, रेशो कितना करता, आपके सामने लिखा होगा इसका, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ, और ये स्कूल में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ अगर आपको कोई डाउट है, तान्या क्लियर हुआ, नवी आपका क्लियर है, कॉम्पिटिशन में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी आपको कराऊंगा डायरेक्ट इस रिजल्ट पर, है ना, तो ये रिजल्ट आपको बिल्कुल याद कर लेना है, जब किसी बॉल को गिराते हैं तो पहले सेकंड में पांच चलती है, 15 चलती है, 25 चलती है, फ्री फॉल है ना, रेशियो कितना होता है 1.357, और कॉम्पिटिशन इंपॉर्टेंट है, ये साथ में ये स्कूल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, किसी बॉल को गिराने पे तो रेशियो होता है 1.357, आज बात सुन जाएगी, सबको डिफरेंस क्लियर हो रहे हैं, थ्री सेकेंड और थर्ड सेकंड का क्या मतलब है, आदित्य क्लियर ना, क्वेश्चन को आप ऐसा ध्यान से पढ़ना कि थर्ड सेकेंड पूछ रहा है या थ्री सेकेंड पूछ रहा है, चलो इस बात का क्वेश्चन है वो 16 का, समझो भाई पहले तो पढ़ो, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो फिर डिस्कस करो, ठीक है, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है ना, डायग्राम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाने से भी बहुत चीजें में क्लियर आती है, सो इट फॉल्स टू डिस्टेंस एक्स इन हाउ मच टाइम, इन टाइम टी, टाइम टी हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टी सेकंड्स कितना फॉल किया, एक्स
एक्स टू फॉल गियर नेक्स्ट इज गियर, ठीक है निकालना क्या मुझे क्यों भाई? अरे बताओ क्या टी निकालना है यार, इक्वेशन लिखते हैं बताओ यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी बताओ मुझे। सारे बच्चे बोले समझ आ रहे u0 है फ्री फॉल में, u0 होता है मैंने u को जीरो ले लिया तो x1 इज हाफ डी स्क्वायर बन गया, बताओ सबको क्लियर है? ठीक है आप बताओ अगली क्वेश्चन क्या बनेगी यार, आपके ऊपर है कि आपका क्वेश्चन ना, अब मुझे आंसर में दिख रहा है कि आंसर में ना तो u है ना v है, क्या क्या है x1 x2 और g और t यही सब है बस है ना। अब आप सोचो कि मैं मुझे फालतू का कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना है, मुझे इसी एक क्वेश्चन बना लिया ठीक बताओ टू डी टाइम में कितना चलाइए, और ये टू डी टाइम में कितना चलेगा अरे भाई एक्स ट्वेंटर एक्स ये चलेगा क्यों टोटल हाउ मच टाइम एंड टू डी टाइम बोलो आप थोड़ा सा हमें यही मुश्किल होने लगती है कैनेटिक्स में है ना कि क्वेश्चंस बनानी कौन सी है ना। मुझे समझ आया कि अगर फालतू में यू और बी लाऊंगा तो फालतू में बंदा हो जाएगा, तो मुझे एक्स वन एक्स टू जी और टी में निपटारा करना है सारे क्वेश्चन का। अभी मैं यहाँ पे बी स्क्वायर इंच आ सबसे आ सकता, अभी मैं यहाँ पे अगर सेकंड क्वेश्चन लगाऊ थर्ड लगाऊ फर्स्ट लगाऊ ना तो फिड़ा भी आंसर हर जगह से है, ऐसी बात नहीं है लेंथी हो जाएगा बस। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन में मुझे एक्स वन एक्स टू जी और टी में सारा निपटा देना है, तो सोचना यार यू और बी ना ले पाए तो मुझे समझना यू और बी कैसे नहीं आएगा। अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस को ले लू दस एक्स वन प्लस एक्स टू और टोटल टाइम क्या कर दूंगा टू डी, अरे टी प्लस टी टू की टाइम हो गया। अब बताओ ये मेरे पास इक्वेशन है ना तो इसमें यू है ना बी है, यहीं से मुझे जी निकालना है। अब आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन से बताओ कौन सा ऑप्शन फिट बैठे बताओ। अब टी के बहुत सारे आंसर आ गए हैं क्यों, अगर मैं यहां टी निकालू तो क्या आएगा बताओ, आंसर आएगा अंडर रूट कितना टू एक्स वन बाई थ्री आएगा नहीं आएगा देखो यहां से ऊपर वाले से है ना, अगर मैं नीचे वाले से निकालू तो कितना आएगा है टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन जी भी नीचे आएगा अपॉन शायद टू जी आ जाएगा टू जी तो नीचे आ रही है अपॉन ये आएगा आंसर अंडर रूट ये तो किस समय के लिए अंडर रूट दो हाँ एक आंसर ये बैठ जाएगा। अगर मैं इस वाली क्वेश्चन निकालू तो दो दो ऊपर जाएगा सर नीचे हाँ दो दो ऊपर जाएगा सर जी ऊपर तो इधर साइड है सही है देखो बेस्ट वर्क कितना है फोर अपॉन टू टू ऊपर बचेगा टू नीचे जाएगा तो क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? आपको सोचना है यार कि कौन सा आंसर मिलाना है आपको, अगर देखो सारे ऑप्शन चेक मार दिए कोई सी बी ये ऑप्शन नहीं आ रहे ना मैच नहीं कर रहे ना नहीं। अब आप सोचो यार थोड़ा सा कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा क्या ऑप्शन है बताना कौन सी ऑप्शन आप लोगों मैप सोचो आप लोगों मैप सोचो मुझे बताओ कि ये आपकी क्वेश्चन लिखनी है और कौन सा ऑप्शन आपका भिड़ के बैठ रहा है डी कोई सॉल्व नहीं करना होगा ये सॉल्व करें प्रॉपर हम उल्टा क्रॉस चेक कर लेते हैं कभी भी ऑप्शन उठा के अब देखो यार मैं थोड़ा सा हिडन ट्रायल पूछना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आएगा। चलो सर सबके आंसर देखते हैं अभी आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं मुझे बताएं कौन सा आंसर फिट बैठे ऑप्शन ए बैठा है देखो माइनस करके देखो सकता हूँ दिक्कत क्या है अबे तो चेक चेक करना है ना मैं पूरा एक्स वन आ गया और सिंपलीफाई करते हैं सर हाफ फिटी स्क्वायर और एक्स वन प्लस एक्स टू कितना गया दिस इज ट्वाइस फिटी स्क्वायर। अभी ये इक्वेशन खत्म हो चुकी है, अब इनको देखो इन दो को देखो और ऑप्शन सोचो अब आपको बारी बारी से पहले में देखो क्या पहले से आंसर आएगा फिर दूसरे को देखो फिर तीसरे को सोचो देखते रहो आप बताओ क्या ऑप्शन देखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन देखो वैल्यूज पुट करो और देखो क्या ऑप्शन बैठ रहा है नहीं करता है
टू का स्क्वायर मारेंगे तो फोर टी स्क्वायर आएगा, ये टू बढ़ जाएगा, ये टू थ्री टी स्क्वायर हो गया। एक्स वन की वैल्यू आ गई हाफ थ्री टी स्क्वायर और एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू आ गई टू थ्री टी स्क्वायर। ठीक है, हर ऑप्शन में वैल्यू पुट करो एक्स वन एक्स टू की और चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही आंसर देगा। हर ऑप्शन में वैल्यू पुट करो, लिखना पड़ेगा भाई, पूरा पेज पर हो गया, ऐसा देखोगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको पूरा लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्या अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का जी, एक्स वन एक्स टू का जी, चलो भाई लिखते हैं एक्स टू माइनस वन ना। अच्छा यहां से एक्स टू कितना है बताओ, तो मुझे एक्स टू बता सकता है कितना आएगा। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर दू है ना, अगर मैं सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर दू तो एक्स टू आ जाएगा थ्री की टी स्क्वायर बाई टू। चलो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं सही है नहीं, थ्री जी डी स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ जी डी स्क्वायर वन जी, कितना भी सॉल्व करके पड़े तो भाई यही आंसर आएगा सर, कितना आएगा ये थ्री बाई टू माइनस हाफ जी डी स्क्वायर हो गया अपॉन जी, तो थ्री आ गया पहले ऑप्शन से बैठे देखो आता चला है सर चेक कर दिया। ठीक है यार, मैं रिवर्स में सॉल्व करना पड़ता है, कभी भी क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है और ये यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ये रीजनिंग है, पजल है, समझ रहे मतलब बहुत मतलब अच्छी घड़ी पड़ती क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है विवेक क्लियर हो गया, नबिया क्लियर है, श्रेणी क्लियर है, घर घूमना क्लियर है, हमें ऑप्शन सब करके देखना है। चलो अब मैं इसका असाइनमेंट दे देता हूं। ठीक है कल भी हम लोग इससे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन घर पे करके आना, बड़े सबसे मुश्किल क्वेश्चन माने जाते हैं आपको बता दो, तो चैप्टर है ना काइनेमेटिक्स और ये इलेवन की शुरुआत में आता है, बहुत मुश्किल होता है अभी पे डायमेंशन आएगा एरर्स आएगा समझे, और ये पूरा काइनेमेटिक्स है और ये क्वेश्चन स्कूल में आते हैं जितना पैसा जैसा क्वेश्चन कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन स्कूल में भी आते हैं, कॉम्पिटिशन तो है ही है लेकिन कभी कभी टीचर्स टफ पेपर बना देते हैं, ऑनलाइन हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन हो गया तो आपको जाके सारा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया क्लास ओवर है।